पंजाब के लुधियाना से ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप सन रह जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि कोई 16 साल का नाबालिग ऐसा कर सकता है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस नाबालिग ने खुलासा किया है कि उसने पड़ोस में रहने वाले 9 साल के एक मासूम की ना सिर्फ हत्या की बल्कि शव के 6 टुकड़े किए और उसे खा भी लिया। मृतक का नाम दीपू है। वारदात 17 जनवरी की है जब दीपू अचानक अपने घर से लापता हो गया था। पुलिस के मुताबिक परिजन दीपू की तलाश में जुटे रहे और उन्हें पास के ही एक प्लॉट में दीपू का शव मिला। दीपू के शव की हालत देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मासूम की बेरहमी से हत्या कर उसके शव के 6 टुकड़े किए गए थे। मासूम की इतनी बर्बरता पूर्वक हुई हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को कब्जे में ले लिया। अब पुलिस के लिए यह केस एक चुनौती बन गया था। फिर पुलिस को एक सुराग मिला जिसके बाद इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 16 साल के विकेश कुमार को गिरफ्तार किया और उसने पूछताछ में जो खुलासा किया पुलिस भी उसे सुनकर हक्का बक्का रह गई। विकेश ने बताया कि फिरौती की नीयत से उसने दीपू का अपहरण किया था लेकिन पकड़े जाने के डर से उसने दीपू की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने शव के 6 टुकड़े किए और इसके बाद जो किया वह दिल दहला देने वाला था। विकेश ने मासूम दीपू के शरीर से उसका दिल निकाल लिया और उसे अपने स्कूल के आंगन में फेंक दिया। विकेश ने पुलिस को बताया कि उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है और स्कूल की बदनामी करवाने के लिए ही उसने दीपू का दिल स्कूल के आंगन में फेंका था ताकि स्कूल बंद हो जाए। नाबालिग के मुंह से हत्या का बेहद खौफनाक कबूलनामा सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग है। तो बेहद हैरान कर देने वाली ये वारदात है। इस मामले ने निठारी कांड की याद दिला दी। बताया जा रहा है कि विकेश मानसिक रूप से बीमार है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देखते रहिए डीबी लाइव।